18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। हम आपको बता दें, चुनावी बिगुल बज चुका है, 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी के अध्यक्ष हर जिले में चुनावी जनसभा संबोधित करने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें, यहाँ आज आगरा शहर के बाहर तहसील के अंतर्गत जरार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज रावत जी। नीरज रावत जी, किस तरह क्या जनसभा रखी गई है बाहर जरार में? जी विवेक जी, यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का राजबब्बर जी के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया है, जो कि पूरी काफी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए हैं जी। और राहुल गांधी जी के द्वारा किसानों को 72,000 रुपए हर वर्ष जो है देने का वायदा किया गया है। इस तरह के क्या वादे राहुल गांधी जी की तरफ से किए गए हैं जनता के लिए? जी, किसानों के लिए 2019 में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो उनके लिए एक बजट पेश किया जाएगा, जो कि रेल बजट जिस तरह से पेश किया जाता है, ऐसे किसानों के लिए एक बजट और एक मंत्रालय एक तरह से पेश किया जाएगा और किसानों को 72,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, यानी 5 साल में 360,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि लगभग 5 करोड़ लोगों को दिए जाने वाली योजना है। और क्या क्या आगरा जिले की जनता से क्या क्या वादे किए हैं राहुल गांधी ने? राहुल गांधी जी ने आगरा की जनता के लिए, जैसे बटेश्वर जहां पर ये नजदीकी तीर्थ स्थल है, उसको पूरा टूरिज्म में डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी कहा गया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा में नहीं बना सकी भाजपा सरकार, ये कांग्रेस सरकार आने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा में बनाया जाएगा जी। तो जिस तरह क्या टाइमिंग थी, कितने बजे वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हैं जरार वहां में जनसभा को कितने बजे संबोधित किया है? साढ़े बारह बजे 12:30 पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर लैंड किया है और दोनों हेलीकॉप्टर जो है सभा ग्राउंड पर ही मौजूद हुए हैं अभी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी दोनों के लिए जा रहे हैं और अभी अभी प्रस्थान भी उनका हो गया है सर। तो किस तरह की क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं रखी गई थी जनसभा को लेकर? आगरा पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ का पूरे जवान यहाँ मौजूद रहे हैं सर, पूरी सुरक्षा चाक चौबंद थी, कोई भी असामाजिक तत्व का परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता था सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। देखिए, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी और यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस तरह से जनता से किसानों से 72,000 सालाना देने की बात कही है और यहाँ पर एक बड़े वादे जिस तरह से भाजपा सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए हैं वो हम करेंगे और देखते हैं जिस तरह से 2019 के चुनाव में किसका सिक्का आखिर चमकता है और 2019 का चुनाव आखिर 2019 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री का ताज पहनता है। नीरज जी, जानना चाहूंगा कितनी वहां पर भीड़ देखी गई है? लगभग सर मैं समझता हूँ कम से कम 7 से 8 हजार लोगों की पब्लिक यहाँ इस ग्राउंड में मौजूद रही है जी। और 7 से 8 हजार लोग की संख्या में लगभग यहाँ, क्योंकि ये जरार बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है लेकिन वहाँ तहसील के नजदीक आता है, इसलिए यहाँ पूरे लगभग बाहर को तहसील के लोग यहाँ से रखे, 4 से 5 हजार लोगों का ग्राउंड है जो पूरा भरा हुआ है और पूरा कांग्रेस में ये ग्राउंड है। तो जैसा है क्या जनसभा में कौन कौन उपस्थित रहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ? आगरा से उपेंद्र जी जो जिला अध्यक्ष हैं और अभी बसपा से शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा जी जो विधायक हैं वो भी रहे, सूरज पाल जी विधायक, पूर्व विधायक जो कांग्रेस में हाल में शामिल हुए हैं वो रहे और केशव दीक्षित जी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पूरे इस मंच का इन्होंने जो है शामिल रहे हैं सर मंच पर। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जनसभा की थी, उसके बाद ही यहाँ पर राहुल गांधी ने की और आगरा में कल भी एक बड़ी महागठबंधन की जनसभा है, एक 3 पार्टियों के नेता और एक ही जनसभा से और जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह एक चुनाव कांटे की टक्कर है नीरज जी। देखिए विवेक जी, ये जो लोकसभा फतेहपुर सीकरी सीट है ये वीवीआईपी सीट में बदल चुकी है, यहाँ पर गृह मंत्री जी तक का दौरा अभी भाजपा समर्थित राजकुमार चार जी के लिए हुआ है, उसी कड़ी में राजबब्बर जी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी जो सीनियर लीडर हैं सिंधिया जी वगैरह यहाँ जो सभा कर रहे हैं, ये वीवीआईपी सीट पर सर काफी जो है टक्कर है राजबब्बर जी और चार साहब के, चार जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके बीच में ये काफी टक्कर है सर, ये सीट बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। कल गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी और केरागढ़ पहुंचे थे, क्या किस तरह से क्या पार्टी की तरफ निशाना साधा है और पार्टी? सर राजनाथ सिंह जी का कहना था कि कांग्रेस का मुक्त जब भारत होगा तब गरीबी मुक्त भारत होगा,
जी ऐसा राजनाथ सिंह जी का कांग्रेस के लिए एक कमेंट आया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर पूर्व का जो है पूर्ण रूप से उसको खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा सत्य को भूल चुकी है और असत्य की राजनीति कर रही है, अपने काम को भूलकर केवल जुमलों की राजनीति भाजपा कर रही है। तो एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल एक महागठबंधन की रैली भी है वो भी मीना बाजार में। मैं आपको बता दूं कि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा को संबोधित किया था, जब सब कोटी मीना बाजार में जनसभा की है तब तक भारी बहुमत से भाजपा को जीत मिली है। क्या कह रहे हैं, किस तरह से इतिहास जिस तरह से गवाह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और कोटी मीना बाजार और लक्की है जिस तरह से उन्हें जीत मिली है, कल महागठबंधन की रैली है तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह क्या भाजपा पर यानी कि फर्क पड़ सकता है इस रैली से? मैं मानता हूं सर कि यहां राहुल गांधी के दौरे के बाद जरूर राज बब्बर जी के लिए वोट पड़ेंगे और भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर गुड्डू पंडित हैं, उनका चेहरा बाहुबली के तौर पर जाना जाता है, तो मैं समझता हूं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में जो गुड्डू पंडित बसपा सपा कैंडिडेट हैं उनसे मुकाबला ना होके ये मुकाबला राजकुमार चाहर और राज बब्बर के बीच में कांटे की टक्कर बनता नजर आ रहा था। एसपी सिंह बघेल जो आगरा से हुए हैं उनका क्या कहना है उनके बारे में? एसपी सिंह बघेल क्योंकि पूर्व नेता हैं, सीनियर नेता हैं, एसपी सिंह बघेल शहर में क्योंकि काफी समय से सीट भाजपा के खाते में रही है, उस सीट के बारे में अभी ये कह सकते हैं कि वो उसमें पल्ला भाजपा का ही भारी नजर आ रहा है सर।